नेताजी मजा नहीं आ रहा ऐसे। अरे तो क्या करना पड़ेगा फिर? चलो तो फिर रेस मार के घर से शुरू कर दे। कौन है बे? अबे दलाल, आदमी है औरत है? ना नेताजी, है तो औरत ही लेकिन बोट है हमारा। तो बता दे क्यों ना, कौन हो तुम? रेशमा बाजी, नेताजी आए, नेताजी बोट मांगने हैं। नेताजी कहाँ नेता है? कहाँ नेता? ये बाल बाल से बच्चे तो लाया तू बीच बीच से। अरे रेशमा बाजी, ये है तो सही नेताजी। ये ये नेताजी, नेताजी अस्सलाम वालेकुम और सब खैरियत, हाउ आर यू? अबे दलाल, अपनी कसम कितनी बड़ी झाई लगे, इंग्लिश में ही पूछ रही है और हिंदी में भी। अरे भाड़ू जी, तुम छोड़ो यार, बोट मांग दो। रेशमा बाजी, भाड़ू नेता है नेताजी। कौन सा भाड़ू है वो? है कौन भाड़ू का चोदा? घर वालों को अच्छा सा नाम न मिला, भाड़ू ही रख दिया। भला भाड़ू भी कोई नाम होगा? ए रेशमा सुन, हम वोट मांगने आए तो वोट देना या न देना? ओहो भाड़ू के दलाल, मतलब तू अब इतना बड़ा हो गया हमारा नाम लेगा? मैंने तो पिल्ला पिल्ला सा देखा, तेरी नाक बहती तो मैंने नालियों पे बैठा देखा, तेरा बुढ़ापा गुजर गया मेरी दोनों आंखों के सामने। अच्छा भूल गई दिखे, जब मैं नालियों पे बैठा बैठा तम उत्तर रहता तो तुम लौंडों के संग बाइक पे घूमने जाती। वो तो मेरे बॉयफ्रेंड थे, जो खाड़ा जाओ खाड़ी हो जा। रेशमा बाजी ये बताओ, हमें वोट दोगी या ना? ना मैं ना दे रही तुम्हें वोट फोट। अरे ये तो बता दो किसे दोगी? मैं तो अपने आदमी को दूंगी। अरे वोट किसको दोगी? वोट वोट। अच्छा तो ऐसे बोलना है इंग्लिश में, भाड़ू के दलाल? मैं तो केले वाले को दूंगी, मुझे तो केला पसंद है। ए रेशमा बाजी, तुम भी जड़ी जड़ में दो, मतलब नेताजी के मुंह भी कह रही हो कि केले वाले को वोट दूंगी, पीठ पीछे कह दो तो बात अलग है। पीठ पीछे? किसी भाड़ू के चौधे का डर पड़ा मुझे जो पीठ पीछे कहूंगी, रोज जिम जाऊं। ए रेशमा बाजी, तुम भी कैसी कैसी बात करे करो, मतलब नेताजी तुम्हारे घर पे आए, इन्हें चाय नाश्ता समोसे वगैरह खिलवाओ, मतलब इस्तकबाल ना करोगी तुम इनका? झटका बाल करूंगी इनका। ओ, कितनी बड़ी जाहिल औरत है, देख रहे हो नेताजी? अबे दलाल, मैंने ऐसी हरामन औरत पैसों बिकते हुए देखा, तुझे थोड़ा पैसों का लालच तो देके देख। ए रेशमा जी इधर तो आओ। क्या बात है, ऐसी बता दे। अरे रेशमा बाजी इधर तो आओ, थोड़ी सी गुफ्तगू करनी है मुझे तुमसे। पिल्लों के पिल्ले, हराम के पिल्ले गुफ्तगू करेगा? ऐसी कौन ही मारूंगी टेढ़ी करके, तेरी छाती पे सारा खून निकल जाएगा तेरा। सुन रही बेटी चोद की, बहुत देर हो गई, हम तुझे 300 रुपए देंगे एक बोट डालने के, अब ये बता बोट हमें देगी एक केले वाले को? तू 300 की करा, अगर तू 200 की कहता तो मैं 150 में मान जाती, अब तूने 300 की कह दी तो कोई बात ना, तू 350 डाल दे झोली में। डाल दो नेताजी, मान गई ऐसे में। तुम इतनी देर से बाहर क्यों खड़े हो नेताजी? अंदर चलो, अंदर मैंने नाश्ता लगा रखा। चल दलाल भाई, नाश्ता कर लेते हैं। ना रहने दो, बच्चे खा रहे, अपना बचा कुछ भी। अरे कितनी बड़ी कुटनी की है ये। चलो नेताजी आगे वोट मांगने चलते हैं। हाँ हाँ आगे जाओ, मैं भी जा रही नाने। हम चले नजारे हराम को। नेताजी तुम यही रुको, मैं बस अभी आया। गया? कुछ ना नेताजी, बस अपना काम निपटा के आया। मौल लगेगी, केले पे। मौल लगेगी, केले पे। कलुआ नेता जिंदाबाद, कलुआ नेता जिंदाबाद, राम राम सत्य है। नौ में दल्ले होश में ना दिखे। कोई बात ना, कलुआ नेता जिंदाबाद, कलुआ नेता जिंदाबाद। केले 25, केले 25। क्यों बदले, कितने आरामी बच्चे पकड़ के लाया तू, समझावा नहीं तू? तुम्हारी बहन का बच्चा तू, तुम्हारी का ना हो गया शान, सालों मुट्ठी बना बना के घूसे मारूं अभी। चुपचाप चलो आगे आ जाओ। चलो नेता ही लाओ। ले दलाल। कलुआ नेता, कलुआ नेता। क्यों बे कैसे शांत हो गए, एनर्जी न रही कब है? अभी तुमने तो कही छुपाने की, हम छुप हो गए। सालो नक्शेबाजी दिखा रहे हो, जाट भाई जाट को है। चल छोड़ो, चल बच्चे हैं यार। बच्चा नक्शेबाजी देख रहे हो बच्चों की, हमें नक्शेबाजी दिखाएंगे? अबे सालों का बाप भी नाबालिग होगा अभी तो। सालों चुपचाप नारेबाजी लगा लो, नहीं 20-20 रुपए काट लूंगा। चलो कलुआ नेता जिंदाबाद, कलुआ नेता जिंदाबाद। ओ कौन अल्ले काट रहा है? चाचा जी कलुआ नेता आए हैं, नई रोशनी लाए हैं। वो कितना काला, वो आती अंधेरा हो गया। दल्ले ये तो बेइज्जती कर रहा है यार। नेताजी बेइज्जती क्यों देख रहे हो, बोट देखो, बोट बोट है वो हमारा। हाँ मैंने माना, तुम देखने में सुअर लगते हो, थोड़े से जानवर लगते हो, लेकिन कहने से क्या होगा, आओ बोट मांगते हैं ना। कौन हो गए तुम? अरे चाचा ये नेताजी हैं। ओ अच्छा, किस पे खड़े हुए हैं ये? इस साल इनका केला खड़ा हुआ है। केला खड़ा हुआ? हाँ नेताजी का केला खड़ा हुआ।
और मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा बताइए। ए नेताजी अब कैसे समझाऊं इस सुअर को? रुक दलाल मैं समझाता हूँ। चाचा मैं केले पे खड़ा हुआ हूँ। और तू किसके केले पे खड़ा हो गया? किसके केले ने लिया तेरा वजन? अरे चाचा इनका चुनाव चिन्ह केला है इसलिए ये केले पे खड़े हुए हैं। ओ अच्छा, अब ये बताओ क्या काम है? चाचा वोट वाले दिन ख्याल रखना है हमारा। ओ मैं क्या तेरा बाप हूँ जो ख्याल रखना तेरा? अरे चाचा इनके कहने का मतलब है कि वोट इन्हीं को देना है, इनके केले पर ही मोहर लगनी चाहिए। चल ठीक है, वोट तुम्हें ही मिलेगा, लेकिन ये बताओ बटन कौन से नंबर का दबाना? चौथे नंबर वाला बटन दबा देना आग मीच के। और ठीक है भतीजे, केले पर ही वोट डालूंगा, अब तुम जाओ यहाँ से, चेक कर लियो। दलाल चाचा का वोट पक्का है, चलो चलो। अबे दल्ले, हाँ ईद पे कहाँ घूमने गया तू? मैं ईद पे फिल्म देखने गया। कौन सी? किसी का भाई किसी की बहन। कैसी लगी? बढ़िया बहन, बढ़िया ही भाई। नया चल तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम हमको हरा दें। वाह वाह वाह, तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम हमको हरा दें। वाह 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 वाह, और तुम्हारे चूल्हे में इतना दम नहीं कि हमारे केले को जला दें। वाह 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 वाह। अबे दलाल तू तो झटका दे ना, तू अपने चेले की और मेरी लड़ाई करवा दे, पेलूंगा पिछली गली में तेरे चेले को। वाह वाह वाह, और तू हमें हराने की बात करता है, तेरे केले को गला देंगे हम अपने बंदरों को। है ऐसे कैसे खा जाएंगे, रोज सुबह डंडा लेके बैठे रहे छत पे। नेताजी हमारे बताइए नेताजी। सुन मेरे दोस्त, तेरा दोस्त है? दोस्त तो ना नेताजी, कह नहीं पड़ा है। सुन बे सुन। सोना केला ही जीतेगा। अरे हम तो जीतने के बाद बहुत कुछ करेंगे, और तुम क्या करोगे? अरे हम तो घर घरों में एक एक क्रेट केले की बांटेंगे, तुम क्या करोगे? हम भी एक एक चूल्हा बटवाएंगे। देखो मोहल्ले वालों, जीतने के बाद भी घर घरों में चूल्हे भेज के आग लगवाना चाह रहा। अरे हमें देखो, हमें जीतने के बाद भी 20-20 किलो केले बटवाएंगे, किसी के लग्नों में काम आएंगे, तो कोई अपनी बहन भतीजी भांजी के यहाँ भेजेगा, तो किसी के बच्चे कतरेंगे। और तुम इस भाड़ू को वोट दोगे, इस आग लगाऊ को वोट दोगे, साले सुअर को? अरे मोहर लगेगी केले पे। अबे ओ केले के दल्ले, साले मोहल्ले वालों भड़कारा दी गया, ऐसा हाथ मारूंगा टाट पे, साले सारे बाल उड़ जाएंगे। अबे तू क्या हमें मुर्दा समझ रहा? अबे किसी से कम पतला थोड़ी मूतते हैं। अबे दम है तो दो दो हाथ कर ले, आजा लड़ ले पिछली गली में। हाँ आजा। नेताजी तुम इस भाड़ू को निपटाओ, मैं इस दल्ले को निपटा के आता हूँ। आजा भाई केले वाली के। अबे तो तू ही आजा भाड़ू, तुझे डर लग रहा? बहुत मारा साले ने। नेताई ओ नेताई, मैं मरिया का बड़ू है। बे जिंदा हूँ साले, तमीज में जिंदा हूँ। चलो नेताजी, तुम्हें तो चीर के सुखा दिया दिखा है। अबे दल्ले जिंदा हूँ। नेताजी तुम्हें क्या बताऊं, मैंने भाड़ू नेता के दलाल इतना मारा, ऐसा कोई सा जानवर न बचा जो मैंने ना मारा हो। सुअर बना दिया, कुत्ता बना दिया, जानवर घोड़ा गधा सब बना दिया, इतना मारा नाली में दे देगा साले, और तुम पिटियाए। तब तू मारा, मैंने भी मारा साले को कुछ। हाँ हमारा घंटा मारा, तुमने देखा नदी के हमने, तुम पिट रहे हैं? देखा मैं पिटता हुआ? पिटता हुआ तो ना देखा नेताजी, तुम दर्द में ऐसे ऐसे कर रहे ना, तो तभी कह रहा हूँ मैं, तुम्हारा दर्द हो रहा है ना? कद्दू का दर्द हो रहा है। भंगार सी शकल के एक घूसे में गिर गया धरती में। आजे सुअर कहीं के दलाल। कोई बात ना नेताजी, आ जाओ बैठो। नेताजी एक बात बताओ, तुम एक घूसे में गिर गए, तुम्हारी अम्मी ने कॉम्प्लेन ना पिलाया कभी? किस कॉम्प्लेन की बात करते हो? उस कॉम्प्लेन की, ये तो जाट का वाल वाला नहीं होता। कितना वाला वाला बदतमीज है, साफ साफ ना कह सके पैसे खर्च करने का मन ना कर रहा। पैसे की बात मत कर दलाल, पैसा बहुत भरा पड़ा है। एक दिन मैं ही खाली करूंगा तुम्हारा सारा पैसा। शकरिया कुछ ना कह रहा मैं नेताजी, मैं यूँ कह रहा, अपना फोन दे दो जरा, दो मिनट बात करनी है कोई जरूरी अम्मी से। ले जल्दी मिला, आ रहा हूँ मैं एक मिनट में, है ना।
परवरी के ना चोट में मारा, अभी तक दर्द बंद ना हुआ। अबे गले आ जा, किसकी बात करेगा तू? लो जी लो नेताजी, अपना फोन हो गया काम। कैसा काम? मतलब बात हो गई अम्मी से, हटो चल रहे वोट मांगने भी तो जाना। वोट मांगने जाना, उसकी फलाने वाली ना। अबे दलाल पैरों में जान नहीं रहेगी, आते ला रहा नेताजी। जान तो बहुत है पैरों में आज भी। जान पान कुछ ना, तू आते लाने लग गया दिखे। बड़ा हरामी हो रहा दलाल, हट ठीक में मारू। मारो नेताजी मारो। हाँ ऐसे यही भाई नेताजी, तुमने तो कमाल कर दिया। बड़ा जल्दी चलो तीसरे गियर में चलाऊंगा, तीसरे गियर में चौथे गियर में भी। दलाल कल वोटिंग दे, दुआ करके जीत जाए। इंशाल्लाह नेताजी, नहीं जीतोगे। क्या कह रहा? मेरा मतलब तुम ही जीतोगे, तुम्हारे अलावा कोई ना जीतेगा, फिक्र मत करो तुम ही जीतोगे। दलाल कल वोट डालेंगे, जीत तो जाएंगे ना। हाँ हाँ जीतोगे, तुम ही जीतोगे। देवी सज्जनों, भाइयों और बहनों, उनकी सेटिंग हो, उनके सेटर हो, वोट खुलने वाले हैं थोड़ी देर में, तब तक के लिए सस्पेंस में बैठ रही है। मैं भी अंदर से आता हूँ चेक करके। अबे कहाँ है दल्ले, जीतने वाले हैं हम, जल्दी आ जा। अरे ना नेताजी, मैं कहीं आया हुआ हूँ, बाद में आता हूँ तुम्हारे पास, ठीक है? अबे दलाल कहाँ रह गया, जल्दी आ, पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटनी है अभी। नेताजी मैं दादी के यहाँ आया हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। तो इस बार जीत हुई है। तो इस बार जीत हुई है। साइकिल की
अरे ना नेताजी, मैं कहीं आया हुआ हूँ, बाद में आता हूँ तुम्हारे पास, ठीक है? नेताजी मैं दादी के आया हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। नेताजी तुम बस यहीं रुको, मैं भी आया। रेशमा बाजी, और रेशमा बाजी क्या बात है, तू फिर आ गया? सुनो रेशमा बाजी, मेरी बात सीरियसली सुनो, इस भालू नेता को वोट नहीं देना है जरा भी। क्यों, तू तो उसके साथ है। साथ तो हूँ लेकिन अच्छाई के, उसके नहीं। तो बात क्या होगी, बात तो बता। आने वाले टाइम में ही लूट के बजाएगा पूरे शहर को, इसलिए बताने आया हूँ। अच्छा, तो किसे दूँ फिर वो? 5 नंबर पे साइकिल वाले का बटन है, उसे वोट देकर जिता दो अगर शहर में रहना है तो। अल्लाह, ठीक है, तेरी बात मेरे दिमाग में भर गई। ठीक है, मैं साइकिल वाले को वोट दूंगी। है ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, जा। अबे चल आ गया। कुछ ना नेताजी, बस अपना काम निपटा के आया। चाचा मैं तुम्हारा भतीजा लगूं इसलिए तुम्हें बताने आया हूँ। अच्छा, वोट तुम डालना 5 नंबर पे। अच्छा भतीजे, 4 नंबर का बटन मत दबाइयो, केला आ रहा होगा ना वो मत दबाइयो, बेकार है। साइकिल दबाइयो, साइकिल अच्छी है। ठीक है भतीजे, जैसा तू बोलेगा वैसे ही होगा, साइकिल भी डाल दूंगा। कौन सा बटन पे आऊं? 5वां बता तो रहा हूं, 5वां पे डालना वोट है ना, 5वां पे डालना। तुम मेरे दोस्त तो ना नेता जी कह नहीं पड़ा है, क्या करना छुटा दे अब। हां को धंधा सालो अभी। हमारा घंटा मारा तुमने, देखा ना देखा हमने, तुम फिट रहे? देखा तुमने फिट रहा हूँ, कितना बार तुमने देखा, तुमने आप दर्द में ऐसे ऐसे कर रहे हैं ना, तभी लगा मैं लड्डू बात अब होगा। अड्डा चुका रहे हैं अब बहुत देर हो गई, और हाँ ऐसा लगा जैसे अपनी की तगड़ी लड़ाई हुई हो। ठीक है, वो साइकिल भी रखा
क्या हाल है नेताजी? चौंक गए क्या देखकर? सालों गद्दारों, हमारे साथ ही गद्दारी। ऐसे गद्दारी नहीं, इंसाफ कहते हैं नेताजी। सालों दलालों, शुरुआत से तुम अपना भाई माना और तुम्हें हमारे साथ खेल खेल गए। खेल उसी के साथ खेलो जो खेलना जानता हो। मतलब? मतलब तुम शेर हो तो हम तुम्हारे बाप। तुम्हें क्या लगा हमें पता नहीं चलेगी कि तुम दोनों आपस में सगे भाई हो? कलुआ, इस बार हम अकेले खड़े नहीं होंगे। तो फिर कौन होगा साथ में? तुम। क्या? मैं? हाँ तुम। लेकिन एक ही घर से दो लोग पर क्यों? जैसा बढ़ता हमने जनता के साथ किया है, हमें नहीं लगता कोई इस बार हमें वोट देगा। इसलिए हमारे खिलाफ होगा। तुम तो खड़े हो जाओ, अगर हम नहीं जीते तुम तो जीतोगे। लेकिन हम तो भाई भाई हैं, जनता हमें वोट क्यों देगी? हम दोनों भाई भाई हैं, ये बात हमारे अलावा कोई नहीं जानता। तुम्हें क्या लगा तुम हमारे होते हुए जीत जाओगे? हैं? हैं दूर दूर, डोंट टच। पता है कितनी महंगी शर्ट है? सालो हमारे पैसों पे ऐश करने वालों। अरे तुम भी तो जनता के पैसों पर ऐश कर रहे थे, तुमने कौन सा अपनी मेहनत से कमा लिया? तूने पिछले 3-4 सालों में करा क्या है पहले तो ये बता। पूरे गाँव में एक हॉस्पिटल था, तुम लोग उसे भी तोड़ के खा गए। एक स्कूल था, उसे भी खा गए। ना यहाँ के रोड सही, ना ठीक से बिजली आती है, ना ठीक से पानी देते हो। अगर आज गांव में स्कूल होता तो कोई बच्चा जुआ, दारू, बीड़ी, सिगरेट कम से कम ये काम तो नहीं करता। अगर आज हॉस्पिटल होता तो हमारे माँ बाप हमारे साथ होते। पता नहीं इस गांव में बीमारी से जूझकर कितनों ने अपने माँ बाप खोए और कितनों ने अपने भाई बहन। गरीबों का पैसा मारकर अपने बैंक अकाउंट में भरते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही? अब तुम्हें पता पड़ेगा कि गरीब कितनी मेहनत से पैसा कमाता है। राजनीति भी बड़ी कुत्ती चीज है, करोड़ों में खेलने वाला 250-300 कमाएगा। वाह।